Hi friends, myself Kanchan Sharma. Welcome to our YouTube classes, Genius Classes. आइए शुरू करते हैं टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस. टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस को समझिए. देखिए, इनवॉइस इशूड हो गया विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विसेज. ये है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज. पहले वाले जो था वो गुड्स के केस में था और अब जो है सर्विसेज के केस में है. ठीक है, इसका वो सेक्शन नोट कर लीजिए आप. देखिए, जो गुड्स का केस था वो था 12-2 और सर्विसेज का है 13-2. ठीक है, 13-2 हो गया. चलिए, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज. इनवॉइस इशूड विद इन 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस. अगर इनवॉइस इशू हो गया 30 दिन के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस. देखिए, सर्विस कंप्लीट हो जाने के अगर 30 दिन के अंदर इशू इनवॉइस हो गया. ठीक है, ये लिख लीजिए आप. इफ इनवॉइस इज इशूड, ये मैं आपको बता रही हूँ टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज के केस में. इफ इनवॉइस इज इशूड विद इन 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विसेज. देखिए, अब दो केस कैसे होंगे. डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विसेज को अब मैं शॉर्ट फॉर्म में देखना कैसे लिखूंगी. डेट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट सर्विसेज. ठीक है, अब दो केस होंगे, या तो यस या फिर नो. ठीक है, अगर इनवॉइस इशू हो गया 30 डेज के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विसेज. ठीक है, तो दो ही केस होंगे, या तो हो जाएगा 30 डेज के अंदर या नहीं होगा, है ना. तो अगर हो जाएगा तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी उसके लिए टाइम ऑफ सप्लाई होगी डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर. ठीक है, और अगर नहीं होगी 30 डेज के अंदर अंदर, तब टाइम ऑफ सप्लाई होगा डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ कंप्लीशन. ठीक है, ये है विच एवर इज अर्लियर. ठीक है, अब यहां से पढ़ेंगे. द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज शैल बी द अर्लिएस्ट ऑफ द फॉलोइंग डेज. देखिए, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ पेमेंट, ये सिर्फ कब बता रहा है, जब हमारा कंप्लीशन सर्टिफिकेट के 30 दिन के अंदर अंदर इनवॉइस इशू हो जाएगा. ठीक है, क्लियर. और मैंने आपको वो केस भी बता दिया है कि जब इनवॉइस इशू 30 दिन के अंदर अंदर नहीं होगा. ठीक है, तब हम क्या करेंगे, डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विसेज, विच एवर इज अर्लियर. ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. चलिए, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स. इससे पहले ये भी है, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज वेयर टैक्सेस टू बी पेड ऑन रिवर्स चार्ज. अब सप्लाई ऑफ सर्विसेज के केस में, रिवर्स चार्ज के केस में क्या होगा, डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ पेमेंट और 60 डेज इमीडिएटली फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस. ठीक है, बस विच एवर इज अर्लियर. इसमें तो कुछ लिखवाने का पॉइंट है ही नहीं. डेट ऑफ पेमेंट और डेट डेट ऑफ पेमेंट और डेज
फ्रॉम डेट ऑफ इनवॉइस, ठीक है, विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। अब मैं आपको रिवर्स चाचे केस में एक बात और बता दूं, ये आपको पता ही है, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ऊपर, रिवर्स चार्ज में जो है वो कौन लायबल है टैक्स पे करने के, रिसिपिएंट, ठीक है। और फॉरवर्ड चार्ज में कौन है, ये सर्विसेज का था फॉरवर्ड चार्ज, फॉरवर्ड चार्ज, ठीक है, ये था रिवर्स चार्ज, ये यहाँ पर लिखा हुआ, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। रिवर्स चार्ज जो फॉरवर्ड चार्ज का केस था वो था 13-2, ये मैंने यहाँ पर आपको बताया भी था, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, ठीक है, फॉरवर्ड चार्ज में, और ये रिवर्स चार्ज में है 13-3, ठीक है। बहुत इजी सेक्शन है, सिर्फ गुड्स के केस में 12-2 था और रिवर्स चार्ज में 12-3 था, सेम उसी तरीके से सप्लाई ऑफ सर्विसेज के केस में फॉरवर्ड चार्ज में 13-2 है और रिवर्स चार्ज में 13-3 है। चलिए एग्जांपल देखिए, देखिए एक एग्जांपल है, डेट ऑफ कंप्लीशन सर्विसेज, ये है 10/11/19, ठीक है, और सेकंड डेट है डेट ऑफ इनवॉइस, ये है 30/11/19, ठीक है, और इसमें एक और डेट गिवन है डेट ऑफ पेमेंट, ठीक है, 15/12/19। ये कौन से वाला केस है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज, देखिए ये ना गिवन होगा क्वेश्चन में ना, ये देके रखेगा कि हमें सप्लाई ऑफ सर्विसेज के केस में बताना है या सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में बताना है, ठीक है ना, अंडर फॉरवर्ड चार्ज में बताना है या फिर रिवर्स चार्ज में बताना है, ठीक है। ये फॉरवर्ड चार्ज वाला एग्जांपल करा रही हूँ मैं आपको, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था फॉरवर्ड चार्ज में क्या है, कि हम पहले ये देखेंगे, ये देखिए कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट 30 दिन के अंदर अंदर मिल गया है या नहीं मिला है, ठीक है। अब देखिए सर्विस कंप्लीट हुई थी 10/11 में और डेट ऑफ इनवॉइस है 30/11 में, ठीक है, मीन्स 30 डेज के अंदर अंदर काम हो चुका है, ठीक है ना, देख रहे हैं आप 30 डेज के अंदर अंदर काम हो चुका है, ठीक है। तो इसलिए जब मैंने बोला था येस वाले केस में सिर्फ देखेंगे डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, तो डेट ऑफ इनवॉइस है हमारा, टाइम ऑफ सप्लाईज केस में आ जाएगा डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो आपको ये दिख रहा है 30/11/19 और 15/12, तो हमें समझ में आ रहा है कि हमारा टाइम ऑफ सप्लाई क्या है, 30/11/19, ठीक है। अब एक वो केस होगा जब कंप्लीशन सर्टिफिकेट 30 डेज में पूरा, मतलब 30 डेज के बाद इनवॉइस इशू नहीं होगा, मतलब वो बाद में होगा, 30 दिन के बाद में होगा इनवॉइस इशू, ठीक है। तब हमारा क्या है, डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विसेज विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। आई होप आपको क्लास आज की अच्छी लगी होगी, जो लोग इस क्लास के लिए न्यू थे वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। चलिए आपको कोई भी क्वेरी होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन या फिर टेलीग्राम चैनल पे भेज सकते हैं, मैं डेफिनेटली उस क्वेरी का रिप्लाई करूँगी। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।